हरदा में राष्ट्रीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे किसान नेता एवं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि जिले में खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने खेल के मैदानों का विकास कर अभ्यास के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की और युवाओं से खेल स्पर्धा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और जिले का नाम रोशन करने की बात कही। ग्राम करताना में राष्ट्रीय शूटिंग बॉल स्पर्धा का यह तीसरा आयोजन हुआ। स्पर्धा के फाइनल में पहुंची राजस्थान और उत्तर प्रदेश की टीम में रोचक मुकाबला हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश की टीम ने जीत हासिल की। स्पर्धा के समापन समारोह में मुख्य अतिथि कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि हरदा हर मामले में नंबर वन है, इसे खेलों में भी नंबर वन बनाना है। कमल पटेल ने कहा कि वह वॉलीबॉल के खिलाड़ी थे, खेल के कारण ही उन्हें इंदौर जाकर पढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि खेल जीवन के लिए आवश्यक है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। हरदा हर क्षेत्र में नंबर वन है, स्पोर्ट्स में भी नंबर वन रहेगा और वॉलीबॉल के उसमें भी नंबर वन रहेगा। वॉलीबॉल की खेल के लिए सामग्री सिर्फ करताने के लिए नहीं, आसपास के सब देंगे। कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ मिलेगा। आप तो खेल खेलो, अच्छा प्रदर्शन करो। एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और चूंकि ठंड पड़ रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं। अपन तो राजनीति में है, बहुत भाषणबाजी बाद में कर लेंगे, अभी तो भाई खेल की बात होगी। बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन करे मेरी शुभकामना है, और बार बार यहाँ आते रहे, और आप यहाँ खेल कराते रहो, हम भी आते रहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।